की तलाश रहती है। यदि हर मनुष्य अपने को खुद ज्ञानी समझे और वो है ज्ञानी और वो जाने कि उसके अंदर ही सब ज्ञान है, तो उसे फिर बाहर के गॉडमैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यही बुद्ध का मैसेज है। उन्होंने भी ये कहा कि जो मेरी भी शिक्षा है उसको आप ऐसे मत ले लीजिए, उसको समझिए और यदि आपको ठीक लगती है तभी अपने आचरण में लाइए। तो ये जो सीरियल है ये बिल्कुल समय के अनुसार है और हमारी जो यंग पीढ़ी है उसके लिए बहुत ही एक मैसेज है, जिससे कि वो अपने को वो सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, वो जानते हैं कि वो क्या चाहते हैं, परंतु ये सीरियल उनको फर्दर एंडोर्समेंट करेगा कि जो वो चाहते हैं वो करें। और आज के युग में आप देख रहे हैं कि यूथ जो है वो ऑलरेडी अपने समझ से अपना जीवन जीना चाहता है, और जैसे जैसे ये सीरियल आगे बढ़ेगा ये यूथ को मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा पसंद आएगा और भी लोग इसको इससे अब सीख ले पाएंगे। द स्टोरी ऑफ द बुद्ध इज रिमार्केबल एंड हिज टीचिंग्स आर द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस वर्ल्ड वाइड। बुद्ध आई ऑलवेज से इज इंडियाज बिगेस्ट एक्सपोर्ट बिकॉज द इन्फ्लुएंस हीज हैड ऑन द थॉट ऑफ एशियन कंट्रीज इन पर्टिकुलर नाउ इन वेस्टर्न कंट्रीज is enormous. So the message that this country, this series on the life of the Buddha brings back to India and propagates in India will, I think, help spread the message of the Buddha even more in the country of his birth, and nothing could be greater than that. Jaisa ki baaki hamare saath ke actors ne kaha, bahut alag si feeling ho rahi hai kyunki pehli baar Gautam Buddha ki zindagi par kuch ban raha hai aur hum uske part hain. तो मैं भी सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, डॉक्टर मोदी का, हमारे डायरेक्टर साहब का, श्रीकांत जी का और सबका, जी का, थैंक यू वेरी मच। हाय, दिस इज समीर धर्माधिकारी। ऐसा होता तो शुद्धोधन कहना होता। ग्रेट एक्सपीरियंस। दूसरी बार मैं राजा कर रहा हूँ, पहला राजा कुछ और था, ये कुछ और है। दूसरी बार करते समय बहुत अलग मज़ा आ रहा है। एक सबसे बढ़िया बात है कि भगवान गौतम बुद्ध के बारे में और जानकारी मुझे मिलेगी। सो थैंक यू डॉक्टर साहब। धर्मेश, यू आर अमेजिंग। वीरू अमेजिंग। सर श्रीकांत सर, यू आर द बैकबोन। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। मैं मंगला का किरदार निभा रही हूँ बहुत प्यारे से शो में कॉल बुद्धा। जी टीवी पर 8 सितंबर से शुरू होने वाला है। मंगला एक जो कैरेक्टर है वो बुद्धा की ज़िंदगी में उनकी आंट का रोल है। वो बुद्धा की ज़िंदगी में किस तरह से मंगला जो कैरेक्टर है वो क्या करती हैं और उनका मोटिव क्या है और बुद्धा की लाइफ में वो क्या इन्फ्लुएंस करती हैं। सो आई थिंक ये बहुत बड़ी कहानी है, इसे एक लाइन में मैं नहीं कह पाऊँगी। सिर्फ इतना कहूँगी कि यस, मैं झूठ नहीं कहूँगी, कुछ नया ज़रूर देखने मिलेगा आपको। मैंने ऐसा किरदार कभी नहीं निभाया, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आई होप आपको पसंद आए। गाइज, आई लव यू ऑल। मुझे बहुत सारा प्यार दिया है आप लोग ने। प्लीज़ मेरा ये नया शो देखिए, मुझे और प्यार की बहुत ज़रूरत है। मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी हूँ फॉर लव। आई होप यू लाइक माई हार्ड वर्क। प्लीज़ वॉच बुद्धा जी टी वी पर हर रविवार सुबह है 11 बजे।